नमस्कार दर्शक मित्रों, एक्जोटिक वेब मीडिया में आपनु स्वागत करू छू। हम हिंदी में बात करेंगे। एक्जोटिक वेब मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पे मुंबई में मलाड में जो ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर चल रहा है, वहाँ की हम आज मुलाकात करेंगे और यहाँ के जो हेड है उनसे हम बात करेंगे। ये जो सेंटर आया हुआ है ब्रह्मा कुमारीज रानी शती रोड मलाड ईस्ट में, तो हम उनकी बीके कुंती जी से बात करेंगे। कुंती भाई, आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। और आपके बारे में हम पहले जानना चाहेंगे कि ये पहले सेंटर के बारे में भी हम बाद में देखेंगे, पहले हम आपके बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि आपका परिचय आप खुद ही देंगे तो अच्छा रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी कुंती बहन, मैं बचपन से मात्र 12 वर्ष की आयु से इसी शरीर ज्ञान के आध्यात्मिक ज्ञान से मैं जुड़ी जी। और उस समय बहुत आयु छोटी होने के कारण इतना बड़े आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आता था, क्योंकि बचपन एक खेलने कूदने की उम्र होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन घर के अंदर एक धार्मिक वातावरण होने के कारण और माता जी भी आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए थे, तो इसलिए माता जी ने हमारे अंदर बचपन से ही ऐसे संस्कारों को डाला। इसलिए मैं सबसे पहले हमारी माता जी का दिल से धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि बचपन से अगर उन्होंने वो संस्कार नहीं डाले होते तो शायद इस आध्यात्मिक मार्ग पर जुड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए माता जी हमें इस ज्ञान के बारे में समय प्रति समय हमें बताती रही और सेवा केंद्र पर जाने के लिए भी प्रेरित करती रहे। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में आए तो हमारे लिए ज्ञान के साथ साथ राजयोग, वो हमें विषय बहुत अच्छा लगता था जी। कि राजयोग माना, क्योंकि इसमें हमें हठ योग, आसन, शीर्षासन, प्राणायाम इस प्रकार की कोई विधि नहीं थी। वो विधि जब हमें बताई गई कि मन को एकाग्र करना, और जब हम मन को एकाग्र करते थे तो मन को एकाग्र करने से हमारे जीवन के अंदर जो बचपन में लाभ हुआ वो हमारी पढ़ाई के लिए हुआ। क्योंकि मन जहाँ एकाग्र होता है और हम पढ़ाई करते हैं तो सरल लीजि से याद रह जाता था जी। तो इसलिए उस समय वह फायदा हुआ। और फिर साथ साथ हम किसी भी एक्टिविटी को जब अपने जीवन के अंदर करते थे तो मैं ये समझती हूँ कि वह ईश्वरी एक देन बन जाते थे, चाहे सांस्कृतिक रीति से, चाहे वक्तव्य के रीति से। क्योंकि बचपन में इतना जल्दी छोटा बच्चा कोई वक्तव्य करे या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नेशनल लेवल पर करे ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उस समय भी हम करते थे। तो मैं मानती हूँ कि ईश्वरी देन है और इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर राज्यों का विशेष महत्व है जिसने हमारे अंदर उस शक्ति को भर दिया। तो साथ साथ जब हम इस ज्ञान के अंदर आए तो ज्ञान के अंदर आने के साथ कुछ बातें जब हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी थी लेकिन उनके अर्थ को हम जानते नहीं थे, तो स्कूल के अंदर पढ़ी हुई बातों के अर्थ को भी हम समझने लगे, जानने लगे। जैसे हमारा स्कूल आर्य समाजी स्कूल था, उसमें हर शनिवार हवन होता था और हवन में विशेष तौर पर एक प्रार्थना होती थी। और वो प्रार्थना जब हम करते थे लेकिन जब हम किसी से पूछते भी थे तो कहते नहीं, हमको सिर्फ प्रार्थना से मतलब है, इसके अर्थ में अभी मत जाओ। तो हम सोचते थे कि क्या मतलब है, हम कर ही रहे हैं। लेकिन जब मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी ब्रह्मा कुमारीज में तो मुझे उसका अर्थ समझ में आया, जो मैं आपको एक लाइन यहाँ भी बताना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमी भर कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफला झाड़ू डोस लगाया कर। तो प्रेमी भर कर प्रेम से माना क्या, कि हम अपने अंदर भी उस प्रेम को धारण करें और सामने वाले लोगों को भी हम प्रेम से व्यवहार करें। जब वो प्रेम से व्यवहार होता है तो मन मंदिर में गाफला, मन मंदिर में गाफला तो झाड़ू रोज लगाया गया। ये बड़ी अच्छी लाइन लगती थी कि घर का झाड़ू बाहर का झाड़ू वो तो निकाल सकते, लेकिन यहाँ का झाड़ू निकालना जी। वो कैसे हो सकता है, वो सबसे बड़ी मुश्किल बात है। बिल्कुल। तो जब हमने आध्यात्मिक ज्ञान को सुना तो हमें समझ में आया कि मन का किचरा, मन का झाड़ू साफ करने के लिए एक बहुत सहज विधि है कि चाहे हमने दिन भर किसी के साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, किसी की कमियां देखी हो, किसी के अवगुण देखे हो, तो ये मन मंदिर में गाफला माना किचरा जमा होता जाता है।
तो रात को सोते समय जी आप उस मन को साफ कर दो, यानी आपके अंदर जो भी बातें भरी हैं वो सब परमात्मा को सौंप दो जी। और आप जब परमात्मा को सौंप दोगे तो आपका ये मन साफ हो जाएगा। तब हमको इतना समझ में आया, धीरे धीरे हमें ये समझ में आया कि हर रोज हमारी दिनचर्या को हमें चेक करना है कि आज मेरे से क्या हुआ, आज मेरे से क्या हुआ। तो रोज का रोज जब मन साफ होने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे मन की स्वच्छता जी। और जितनी हमारे मन की स्वच्छता होती है उतनी हमारे अंदर में सच्चाई आती है और उतनी सभ्यता भी आती है, यानी मैनर्स धारण होते हैं वो मन साफ होने से, हमारे अंदर वैसे मैनर्स वैसी सभ्यता भी धारण होती है जी। बहुत ही अच्छी बात बताई कुंती बहन ने। जो अभी इतनी अच्छी बात हम सुन रहे हैं उनसे, तब लगता है कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाने से बहुत ही लोगों को फायदा भी है और बहुत लोगों की जीवन की जो दिनचर्या है वो अगर वो बदल दे तो वो उनको और भी अच्छा फायदा हो सकता है। मेरे ख्याल से आपकी बात सुनने से मुझे ऐसा लग रहा है। अभी आपने बहुत अच्छी बात तो बताई, लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहूंगी आपको कि आपके परिवार के लोग इसमें थे, आप कैसे यहाँ पे जुड़े हुए? 1966 में एक एग्जीबिशन लगी थी ब्रह्मा कुमारी की तरफ से जी। तो शिवरात्रि का दिन था, हम शिवरात्रि के मेलों में मंदिरों में बचपन से जाते भी रहते थे। तो हमारे बड़े भाई जी जो हमको मेलों में लेकर के गए, तो मेलों के साथ साथ वो हमें ब्रह्मा कुमारी की एग्जीबिशन में भी लेकर के गए जी। तो हमने वहां पर वो जो एग्जीबिशन देखा तो वो अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था कि क्योंकि एग्जीबिशन दूर थी और हम लोग जहाँ रहते थे वहां पर कोई ब्रह्मा कुमारी का स्थान नहीं था, इसलिए पता नहीं चला हमें भी। लेकिन फिर हमने देखा कि हमारी माता जी जाने लगी, तो भी माता जी ने कभी हमसे जिक्र नहीं किया कि मैं वहां जाती हूँ। लेकिन एक बार मेरे को स्वप्न में जैसे मैंने देखा कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण है, अब उस श्री लक्ष्मी नारायण को देख करके मैं खुद को देख रही थी जी। उसमें मेरा फोटो दिख रहा है, फिर मेरे फोटो में वापस वही श्री लक्ष्मी श्री नारायण दिख रहा है, फिर वापस मेरा फोटो दिख रहा है। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं लक्ष्मी नारायण, ये वापस मैं, तो ये क्या है, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और ना ही मैं कोई इतना मंदिरों में जाती थी कि मुझे समझ में आवे कि लक्ष्मी नारायण भी क्या है जी। तो 2-3 दिन में लगातार हमारे जहाँ रहते थे हम लोग उनके आसपास के सभी मंदिरों में मैंने देखा, लेकिन जो मैंने स्वप्न में लक्ष्मी नारायण का मंदिर देखा था वैसा मंदिर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो मेरी मम्मी मुझे जब उदास देखती थी तो मेरी मम्मी ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तो मैंने कहा कुछ नहीं। तो कहा तुम पढ़ने बैठती हो लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम्हारा पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है, तुम क्या सोच रहे हो? तो मैंने कहा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा लेकिन वो लक्ष्मी नारायण मुझे किसी भी मंदिर में दिखाई नहीं दे रहा है। तो मम्मी ने कहा कि यहाँ से एक बहन जाती है और वो सेवा केंद्र था घाट पर, हम रहते थे मूल चार पांच स्टेशन बीच में पड़ जाती है जी। तब मेरी उम्र 11 वर्ष की थी, तो 11 वर्ष की उम्र में मम्मी ने कहा कि तुम इनके साथ जाओ सेवा केंद्र पर देखो, शायद वहां लक्ष्मी नारायण का फोटो है। माता जी जाती थी लेकिन वो बताना इसलिए भी नहीं चाहती थी कि बच्चे होते हैं तो जब तक पूरा समझे समझे तब तक कुछ बातें फैल भी जाती हैं। और दूसरी बात क्या कि मम्मी डैडी हमारे दादा दादी पूर्वज जो भी हैं ये सब पाकिस्तान में रहते थे, तो आप पाकिस्तान की बातों को जानते हैं कि जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो ओम मंडली के नाम से जाना जाता था जी, तो वहां पर कई एंटी पार्टी के लोग थे, यानी विघ्न डालने वाले लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि ये ओम राधे में जाने चाहिए ओम मंडली में जाने चाहिए जी। तो वो विघ्न डाला करते थे। ऐसे ही हमारी माता जी को भी यही था कि वहां जब मना करते थे तो यहाँ न फिर कोई हमको मना कर दे, बच्चे हैं बच्चे बोल पड़ेंगे तो हमको जाने नहीं मिलेगा, इसलिए वो गुप्त रखना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने मेरी लगन को देखा मेरे स्वप्न को सुना तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम जाओ और जाकर के देखो शायद यहाँ तुम्हारी स्वप्न की बात पूरी हो जाए। तो मैं जब पहली बार सेवा केंद्र पर गई घाट पर सेवा केंद्र पर,
तुम्हें ये नहीं देखा कि वही लक्ष्मी नारायण का चित्र जो मेरे स्वप्न में था, हाँ इतना शोभनीय और इतना फर्क तो पड़ता है फोटो में और प्रैक्टिकल में, सजीव देखो और फोटो देखो तो फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी मिलता जुलता था जी। तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे यही दिखाया था। यस। तो वो मैंने देखा और वो देखने के बाद उसी दिन गुरुवार को वहाँ पर एक बड़ा क्लास था, उसमें मुझे सबसे आगे बिठाया गया मेडिटेशन के लिए, लेकिन मेडिटेशन क्या मुझे मालूम नहीं था, तो सीधा ऐसे मैं भी मेडिटेशन के लिए शांति से बैठ गई। लेकिन उसके पश्चात जो वहाँ पर एक सत्संग चला, क्लास चला, वो मेरे मन को छू गया कि आपके पहले किसी ने भी कोई बाहर की चीज़ें खाई हैं, कौन कौन बाहर की चीज़ें खाता है, कौन पिक्चर देखता है, कौन नॉवेल्स पढ़ता है, कौन प्याज लहसुन खाता है, तो ये जब बातों को मैं सुन रही थी तो लोग हाथ उठा रहे थे, तो मैंने भी हाथ उठाया, तो वहाँ की दीदी ने कहा कि नहीं तुम तो पहली बार आई हो ना, तो तुम नहीं, तो उन्होंने मुझे पहले ना कहा, लेकिन मन के अंदर बिल्कुल भी आया कि सचमुच ये चीज़ें इतनी हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाती हैं, तो हम उन चीज़ों को क्यों स्वीकार करते हैं। भले हम वर्ष में हमारी माता दी धार्मिक फिल्म एक ही देखने देती थी, लेकिन फिर भी उस समय मन के अंदर आया कि क्यों हम प्याज लहसुन खाते थे, लेकिन फिर उस समय आया कि क्यों। तो उसी समय जैसे मैंने एक मन के अंदर संकल्प किया कि आज से लेकर के मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाएगी, और साथ साथ पिक्चर देखना तो दूर की बात है, बाईचांस ही होता था, लेकिन साथ साथ कांदा लहसुन ये सारी बातें बाहर की खाने पीने की चीज़ें, नॉवेल्स तो मैंने आज तक अभी तक देखा नहीं कि नॉवेल्स कैसा होता है, मुझे बता सब कुछ आपने उसके बाद सब कुछ बंद कर दिया। हाँ, मैंने बंद नहीं किया, लेकिन एक अंदर की लगन परमात्मा के प्रति लगती गई और अंदर के अंदर संकल्प आता गया ये हमारे जीवन के अंदर लाभदायी नहीं है, जो लाभदायी है वो मुझे करना है, जो लाभदायी है वो मुझे करना है। तो माता जी का एक बहुत अच्छा मुझे सहयोग मिलता रहा जो मैं इस बातों को अपने जीवन के अंदर कर सकी। मैंने पढ़ाई जो की है उन दिनों 11वीं SSC कहा जाता था, 1971 में 11वीं SSC मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद 1972 में मैंने अपने जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब तक तो माता जी और हम तीन बहनें ही इस आध्यात्मिक मार्ग पर थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते हम बचपन से ही जब आध्यात्मिक जीवन की धारणाओं को अपने जीवन के अंदर करते हैं, बच्चा कहीं मस्ती ना करे, कहीं किसी से अपशब्दों का व्यवहार न करे, किसी को उल्टा सीधा जवाब न दे, तो स्वाभाविक है कि परिवार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और यहाँ से वहाँ किसी को जाकर के बोल देना ये भी हम लोगों के अंदर बचपन से ही नहीं रहा, तो उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी बातों का प्रभाव पड़ते पड़ते आध्यात्मिक ज्ञान का और मेडिटेशन का प्रभाव पड़ते वर्तमान समय हमारे परिवार से 40 सदस्य इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और हम तीन बहनें और तीन भतीजियां जिन्होंने अपने जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किए हैं जी। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब जो भी इतने सारे लोग एक साथ जुड़े हैं, तो मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और अभी बात करेंगे कि ये यहाँ पे जो सेंटर आपका चल रहा है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में भी बताइए, ताकि यहाँ के मुंबई के वासियों जो है मलाड़ में जो रहते हैं उनको ब्रह्मारी कुमारी सेंटर में आना है तो ज़रूर उसके लिए आए, तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या यहाँ पे आप करवाते हैं इस सेंटर में, आध्यात्मिक क्या क्या करवाते हैं वो बताइए। यहाँ पर वैसे तो छोटे छोटे रूप से काफ़ी समय से लेकर के सेवाएँ चल रही थी, लेकिन 1994 से लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक शाखा खुली, और उस शाखा से पहले बहने भी टर्न बाय टर्न हम रहती थी, लेकिन लगातार 95 से लेकर के मैं यहाँ रह रही हूँ, क्योंकि वैसे तो बचपन में कहीं कहीं सेवाएं कई स्थानों पर गई, लेकिन 94 में यहाँ खुला तो हम लोग टर्न बाय टर्न बहने आती थी, क्योंकि बहुत छोटे से स्थान पर था, मात्र 225 फुट के स्थान में
ऑली वन जिसे कहें कि हम बहनों का रहना भी आध्यात्मिकता भी सब प्रकार की थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये वृद्धि को पाया और आज मलाड के अंदर हमारे 4 सेवा केंद्र हैं, एक गार्डन है, प्लस छोटे छोटे रीति से जिसे हम ब्रह्मा कुमारी पाठशाला कहते हैं, ऐसी 13 पाठशालाएं भी हैं। तो आज 18 स्थानों पर यहाँ पर मलाड में चल रहा है। ये बड़े गर्व की बात है कि जहाँ एक बहुत छोटे से रूप में था और आज इतने विस्तार को पाया है, वो मैं धन्यवाद परमात्मा को कहती हूँ कि वो शक्ति देते रहे और हम करते रहे ना। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो सिखाया जाता है वो है कि जो मनुष्य आज कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे तो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बन जाए, या जिसे दूसरे शब्दों में हम कहें कि वर्तमान समय मनुष्य संस्कारों से, स्वभाव से एक भ्रष्टता की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वह संस्कार और स्वभाव से श्रेष्ठता की ओर कैसे बढ़े, या जो पहले मूल्यवान समाज था आज मूल्य खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन फिर वो मूल्यवान समाज कैसे बने। तो उनकी सेवाएं हमारे सेवा केंद्रों पर की जाती है, उसके लिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ओर से 18 विंग बनी हुई है, जैसे महिला विंग, डॉक्टर्स, मेडिकल विंग है, साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग है, यूथ विंग है, मतलब ये मलाड में ही है ये सब, ये सारी जगह पर हमारे जितने भी देश विदेश में सेवा केंद्र है प्रत्येक सेवा केंद्र पर होता है, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से 18 प्रभाग के द्वारा सेवाएं की जाती है। और उसमें विशेष तौर पर हम लोगों ने एक कार्य किया, वो सराहनीय कार्य रहा, 1996 में नशा मुक्ति के लिए एक कार्यक्रम किया गया। जी, जो नशा मुक्ति का, जैसे गुटखा खाते हैं लोग तो गुटखा न खाएं, क्योंकि कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, बड़े तो खाते ही हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी जो गुटखा के पैकेट वगैरह लेकर के खाते हैं। तो इस अभियान को 96 से हमने आरम्भ किया, और जब 96 से आरम्भ किया तो 97 में हमें यह आया क्यों नहीं ऐसी एग्जीबिशन रेलवे स्टेशन पर रखी जाए। तो 97 में मलाड रेलवे स्टेशन का मैंने स्वीकृति लिया नशा मुक्त एग्जीबिशन के लिए जी। और वो इतनी सक्सेस रही तो फिर विचार मन के अंदर आया कि क्यों नहीं सारे समस्त मुंबई में रखा जाए जी। तो समस्त मुंबई के 36 स्टेशनों की मैंने परमिशन लिया। क्या बात है। चर्चगेट से लेकर के विराट, ये अपना वलसाड़ तक, और प्लस CST से लेकर के खोपोली तक कंटिन्यूस हमने 36 स्टेशनों की स्वीकृति प्राप्त की। और एक साथ एक ही तारीख में जब एग्जीबिशन थी तो ये मालूम पड़ा कि लोग जहाँ उतरते थे वो ब्रह्मा कुमारीज की एग्जीबिशन को देखते थे। तो ये सराहनीय कार्य यह भी रहा, तो जहाँ भी जाए तो कहते आपकी एग्जीबिशन वहाँ भी है, आपकी एग्जीबिशन यहाँ भी है, हमने दादर में देखा, हमने महालक्ष्मी में देखा, अब मलाड में देख रहे हैं। तो लोगों को जैसे एग्जीबिशन ये करने से लोगों को एक जागृति आई कि हमारे जीवन के अंदर ये व्यसन कितना नुकसान करने वाला है, हम अपने आप को व्यसन से कैसे मुक्त कर सकते हैं। और जब इस बात को मैंने देखा कि लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मेरे पास कि हम और आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आप जैसे सोचते हैं बिजनेस वाला करता है तो आगे बढ़ता है, मतलब ये कोई रुकने वाली चीज नहीं है। हाँ। जितना ही आप उसको जागरूक करोगे, लोगों को जितना भी जागरूक करेंगे उससे अवेयरनेस आएगी, और ये जो नशा लोगों को है वो बंद कर सकते हैं लोग, क्योंकि अवर करना जरूरी है। अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो वो तुरंत इतना जल्दी से कुछ भी नहीं छोड़ सकता है, उसके लिए थोड़ा जैसे भी हम डेली मेडिटेशन करते हैं उसी हिसाब से डेली उनको बोलना पड़ता है कि ये भाई ये करो वो करो, तो शायद उनका ये नशा भी छूट सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अभी मैं एक और प्रश्न इसी में एक कंटिन्यू करना चाहूंगी। जब हमने बम्बई में इतना देखा कि इतनी जागृति आ रही है, तो एक मन के अंदर फिर और प्रश्न आया कि हम समस्त भारत की रेलवे स्टेशनों पर ये एग्जीबिशन कर सकते हैं। तो 1999 में हमने समस्त भारत की रेलवे स्टेशनों की ये नशा मुक्त एग्जीबिशन की स्वीकृति, जो कि परमात्मा ने मेरे द्वारा कराई मैं तो ये कहूंगी, परंतु मैंने इस स्वीकृति को प्राप्त किया। एक तरफ हमने यह प्राप्त किया, दूसरा 96 में एक और भी मैंने अवेयरनेस के लिए मन के अंदर आता था कि कुछ मुझे नया करना है, कुछ मुझे नया करना है। तो नया करने की एक जुम्बेश जिसे कहते हैं उसमें हमने स्कूलों की परमिशन लिया जी। तो बृहन मुंबई महानगर पालिका की ओर से वैल्यू एजुकेशन सिखाने के लिए 96 में मुझे 1400 स्कूलों की स्वीकृति प्राप्त हुई, जहाँ हर स्कूल में पहला पीरियड
वैल्यू एजुकेशन का फिक्स किया गया। तो यहाँ पर भी हमने काफी भाई बहनों को एक बिछा करके हम सिखाते थे, और मेरे सारे भाई बहन जाकर के स्कूलों में सिखाया करते थे। आज हम देखते हैं तो देश विदेश के अंदर की वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस चल रही है। और साथ साथ तीसरी बात, जैसे बोलते हैं ना कि शुरुआत कोई और करता है और लाभ कोई और लेके जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो फाउंडेशन नीचे होता है, फाउंडेशन तब जाता है, फ्लैटों में लोग बड़े मजे से रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने फाउंडेशन बनाया है, नींव बनाया है, तो वो नींव भी इतनी मजबूत है कि वो आगे कार्य बढ़ेगा ही। तीसरी बात ये भी है कि आज हमारे जो चैनलों पर कार्यक्रम चल रहे हैं, तो जो चैनलों पर कार्य चल रहे हैं, तो सबसे पहला कार्य चैनलों पर, ये भी एक गर्व की बात है, क्या सोनी टीवी को जानते हैं? हाँ, तो सोनी टीवी का 2 वर्ष के लिए फ्री स्लॉट जी ब्रह्मा कुमारी को जो मिला वो भी यहीं से मिला, यहीं से शुभारंभ हुआ। और आप जानते हैं कि सोनी टीवी फ्री देता नहीं है, लेकिन ये सब आपका योगदान है। योगदान इसलिए रहा कि हमारे परमात्मा के दिए हुए ज्ञान की समझ को जब हम सही रीति से उपयोग करते हैं तो वो हमारे उस कार्य शैली को लोग देखते हैं, और जब उस कार्य शैली से प्रभावित होते हैं, प्रभावित एक बाहर की रीति से नहीं कि ये इतना अच्छा है ये इतना ऐसा नहीं, वो आध्यात्मिकता के मार्ग को सोशल समाज की रीति से ये क्या लाभ है, लोग जब इस कार्य की रीति से देखते हैं तो हमें परमिशन देते हैं। ऐसे वो परमिशन कोई भी देता नहीं है कि समाज को इससे लाभ क्या है, देश को इससे लाभ क्या है। लोगों को जब पहली बात बताओ तो पहला क्वेश्चन हमसे यही करते थे कि समाज को लाभ होगा जी, बिल्कुल। हम कहते थे बिल्कुल लाभ होगा। हमें भी जब मलाड में गार्डन मिला, लिबर्टी गार्डन, तो पहले ही हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ने, अन्य प्रभाग समिति अध्यक्ष जो थे वो यही कहते थे, हम आपको गार्डन दें, आप इसमें चेंज लाओगे? बिल्कुल लाएंगे। तो वो गार्डन हमें जो मिला वो ऐसा था जहाँ सारा दिन लोग जुआ पत्ते खेलते थे और शराब पी के पड़े रहते थे, लेकिन जब हम लोगों ने ब्रह्मा कुमारी ने हाथ में लिया तो तब से लेकर के गार्डन में इतना परिवर्तन आया कि कोई जुआ खेलने वाला नहीं, और कोई शराबी नहीं, और कोई लड़के लड़कियां आपस में जो बैठ करके करते हैं वो भी कोई नहीं। इतना आध्यात्मिकता के द्वारा समाज का परिवर्तन देख करके समाज की ओर से और महानगर पालिका की ओर से मुझे गुण गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और साथ साथ जो सोशल सेवाएं हैं, उन सोशल सेवाओं में भी उन लोगों ने कहा कि समाज की अच्छी सेवाएं करते हैं, उस रीति से कि MLA के द्वारा भी सम्मानित किया गया, और एक हम लोग अवार्ड सेलिब्रिटीज के द्वारा भी सम्मानित किया गया। ये जब कार्य को देखते हैं तो सारे प्राप्त देखते हुए प्राप्तियाँ क्या है वो देख करके लोग करते हैं। न सिर्फ इतना ही, लेकिन सिक्योरिटी विंग की भी हमारी सेवाएं होती हैं। वो है कि जैसे INS हमला कहते हैं नेवी जी, तो नेवी में भी हमारी सेवाएं चलती हैं, आर्मी में भी चलती हैं और एयरफोर्स में भी चलती हैं। तो वहाँ पर भी आर्मी और नेवी में लगातार 5 वर्षों तक उन्होंने हमारे लेक्चरों को सुना, हमारे जीवन को देखा, जिससे 5 वर्ष तक उन्होंने हमें सम्मानित किया जी। तो वो मोमेंटो के द्वारा, अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया, ये भी एक गर्व की बात आ जाती है। ऐसे कई यहाँ पर ऐसे कार्य हुए हैं मलाड सेवा केंद्र के द्वारा मलाड की जनता के लिए, न सिर्फ मलाड की जनता, लेकिन मैं ये कहूंगी कि सारे मुंबई के लिए, सारे भारत के लिए, क्योंकि सारे भारत में अब कई कार्य यहाँ से निकले हुए चल रहे हैं। तो इसलिए और ऐसी सारी बातों को देखते हुए जब रेलवे के द्वारा और इस प्रकार के कार्यों को देखते हुए, तो ट्रांसपोर्ट रोडवेज एंड रेलवेज के कार्यों को जब हमने इस प्रगति के आधार से किया तो हमें राष्ट्रीय संयोजिका के रीति से घोषित किया गया जी। जी अभी मैं बताने वाली थी, दर्शक मित्र, मैं आपको अभी बताने जा रही थी कि कुंती बहन जो है, BK कुंती बहन, उनकी बहुत सारी अचीवमेंट है और बहुत सारा उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज में योगदान भी दिया हुआ है, और जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवलिंग की वो है, वो भी एक बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं आपको खूब बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ कि इतनी अच्छी आप अचीवमेंट भी किया है, आपने बहुत सारे अवार्ड भी लिए हैं, और मेरा आज भाग्य है कि मैं आपके साथ हूँ। तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ओम शांति।
ओम शांति। मैं भी चाहूंगी कि आप जल्दी जल्दी मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, लोगों को कई आध्यात्मिक बातों की जानकारियों को दे सकेंगे। लेकिन मैं समस्त जनता के लिए एक निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी समस्त जनता है, मेरे प्रिय भाई और बहने हैं, वे जरूर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की शाखा जो भी आपके नजदीक हो वहां पर जाकर के हमारे साप्ताहिक राजयोग शिविर का अवश्य लाभ लें। ओम शांति। Thank you.